नीतू हत्याकांड में भी बबलू सर ने कर दिया खुलासा। पुलिस स्ट्रांग एविडेंस बेहतरीन तरीके से एविडेंस प्रस्तुत करने का काम करती है कोर्ट में, तब उसको फांसी की सजा से कोई बचा नहीं। शासन का सबसे बड़ा रवैया जो देखिए कि किसी भी मर्डर को, किसी भी इतना बड़ा घटना हो जाता है, गैंगरेप होता है, मर्डर होता है, और उसको कहती है कि ये सुसाइड है। श्रेया के लिए आपने आवाज़ उठाया, बहुत सारा आवाज़ उठाया, क्या नीतू के लिए आप पुलिस प्रशासन से? श्रेया मामले में पुलिस ने जाँच रिपोर्ट दिया है, उसके बाद से अब सुनने में आ रहा है कि फिर से एक बार औरंगाबाद में औरंगाबाद की बेटी नीतू के साथ भी सेम घटना घटा है। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबलू सर है, पटना हाई कोर्ट से हम बातचीत करेंगे। सेम घटना मात्र जो है 10 से 15 दिन के भीतर उसी जगह पे उसी इलाके में हो जाए और पुलिस प्रशासन जो है अभी तक चुप्पी साधी हुई है, इसका कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा, इसका कोई जाँच नहीं हो रहा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया मामला आप देख रहे थे लगातार, अब जो है नीतू हत्याकांड सामने आया है। मैंने कहा था कि श्रेया के मामले में कि जो उनके साथ जो हुआ है वो गैंगरेप था, मर्डर था, एक प्लानिंग और एक कॉन्स्पिरेसी घटना उनके साथ हुआ है, लेकिन चूंकि पुलिस ने उसको सुसाइड देने का एंगल देने का बहुत कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली देखिए क्या कि ये मीडिया बंधु जो भी हैं और जो भी लोग हैं जो लगातार उनके खिलाफ लड़ाई, पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, श्रेया के लिए लड़ रहे थे, और आखिरकार में जो अपराधी हैं वो अरेस्ट हुए हैं, तो एक बहुत पर्दाफाश हुआ और एक बहुत अच्छा खबर है उन लोग के लिए और हम लोग के लिए भी खबर है। लेकिन लगता है मुझे कि लगातार इस तरह की जब घटनाएँ होती है तो मुझे लगता है कि देखिए कि नीतू जी के साथ भी इस तरह का हुआ है, कि बच्ची के साथ कि सेम घटना हुआ है, आप सेम देखिए कि उनके साथ भी गैंगरेप जैसी घटना है, मर्डर हुआ है, फिर वो वही नहर में सेम जगह पे उसके लाश को जाके वहाँ पे फेंक दिया गया है, वहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस का ये प्रशासन का जो फेलियर बताता है कि जब आप महीना दिन लगाएंगे किसी जांच में, किसी जांच को आप प्रभावित करने का काम करेंगे, मैनिपुलेट करने का काम करेंगे, तो अपराधियों को लगता है कि हम कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं, हम कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हम बच जाएंगे। अपराधी जब लेट, जब न्याय में देरी होता है ना, तो अपराधियों का जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है, और इसका परिणाम है कि लगातार इस तरह की घटनाएं, सिमिलर जो घटनाएं हैं वो घट रही है, जो बहुत बड़ी दुखद है। और जहां तक इस श्रेया वाली बात है तो देखिए कि पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को और भी जाँच करने की, गहरी जाँच करने की ज़रूरत है, उसमें और भी लोग हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसमें जो शामिल अपराधी हैं वो हो सकता है कि नीतू का जो घटना हुआ है वो उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेशन हो, ऐसा भी मुझे लगता है। सबसे बड़ा सवाल सर पुलिस प्रशासन पे है, वही औरंगाबाद पुलिस जो श्रेया मामले को 18 दिन बाद प्रेस करती है, जांच रिपोर्ट देती है, और अभी तक जो है उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी क्लियर नहीं हो पाया है। बाकी अब दूसरा जो नीतू का जो मामला आया है, इस मामला को देखते हुए श्रेया के अपराधियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रही? अब ये तो प्रशासन तय करेगा, नहीं तो सरकार तय करेगी ना। सरकार जो है कि मुझे लगता है कि चेहरा देखकर काम करता है, और आप बताइए, आप गरीबों के घर में बुलडोजर आप चला देते हैं, लेकिन क्या अपराधियों से आप डर रहे हैं? क्या अपराधियों से आप डर रहे हैं? अगर आप डर रहे हैं तो बताइए, आप इस्तीफा दे देने की ज़रूरत है। लगातार हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। कोई भी गार्जियन है कि स्कूल भेजने के लिए डरेगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, किसी का बाल बच्चा को अपनी बच्ची को भेजने से डरेगा, हो सकता है किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। श्रेया के अपराधियों के घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चल रहा? तो ये जबकि ये कन्फर्म हो चुका है कि वही अपराधी है, तो ये तो प्रशासन तय करेगा ना। प्रशासन को चाहिए कि बुलडोजर से उनके घर को जमींदोज करने की ज़रूरत है, सरकार को चाहिए, लेकिन सरकार तो अपने चुनावी मोड में रहती है, हमेशा चुनाव के अथी में रहती है। हो सकता है 2025 का चुनाव आने वाला, उसमें व्यस्त होगी, नेता लोग उसमें व्यस्त होंगे, तो नेता लोग कहाँ सो गई है? और ये प्रशासन जो है कि प्रशासन का सबसे बड़ा रवैया जो देखिए कि किसी भी मर्डर को, किसी भी इतना बड़ा घटना हो जाता है, गैंगरेप होता है, मर्डर होता है, और उसको कहती है कि ये सुसाइड है, फिर आखिरकार में जी प्रशासन के तो बड़ा फेलियर है ना, उनको तो उसके मुँह पर तो एक तमाचा है कि आप जिसको सुसाइड बता रहे थे तो फिर सुसाइड में लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया है? और इस तरह से आप लेट कीजिएगा तो लगातार तमाम तरह की इस तरह की घटना घटते रहेगी। जब तक प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त नहीं होता है, इसको तो 24 आवर में इसको अरेस्ट करने की जरूरत है। 24 घंटे के अंदर में अरेस्ट करके फिर 36वां घंटा में नीतू जो है मोबाइल लेकर गई है, उसका मोबाइल का जांच हो सकता है, उसके नंबर का जो है लोकेशन पता चल, बहुत देखिए बहुत कुछ हो सकता है। अगर पुलिस चाह लेगी ना, तो पुलिस चाह लेगी तो 24 घंटा 24 आवर मैक्सिमम है, तुरंत एक्शन ले लेगी, लेकिन पुलिस चाहेगी तब ना, पुलिस ईमानदार होगी तब ना। मतलब क्यों नहीं कर रहे पुलिस, कोई दबाव है उस पर? देखिए बहुत सारे दबाव होता है, पॉलिटिकल दबाव होता है, सोशल दबाव होता है, या किसी का हो सकता है कि किसी पुलिस का रिलेटिव हो, तब इस तरह की बात होती है कि पुलिस का रिलेटिव हो तो कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है ये
जो कार्रवाई हुई है वो खानापूर्ति करने के लिए हुई होगी। जब आप कार्रवाई करते हैं तो पुलिस का काम है कि एविडेंस को कलेक्ट करना, बस स्ट्रांग एविडेंस पुलिस का काम है ना कलेक्ट करना। जब आप स्ट्रांग एविडेंस कलेक्ट नहीं कीजिएगा तब अदालत में लोग जो आपराधिक लोग हैं उसी से तो बरी हो जाते हैं, और जब बरी हो जाते हैं तो लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। और पुलिस प्रशासन का फेलियर है औरंगाबाद पुलिस प्रशासन को, तत्काल वहाँ के डीएम एसपी एसएसपी सबको सस्पेंड करने की जरूरत है, वहाँ से सब लाइन हाजिर करने की जरूरत है। इतना दुरुस्त सुस्त रवैया रहेगा तो फिर वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे क्राइम को। और देखिए कि इसका परिणाम है कि एक नीतू जैसी बेचारी लड़की का भी जान चली गई, रेप हो गया, सिमिलर घटना हुई है सिमिलर। सर श्रेया में जो है बालूचंद जो गेस्ट हाउस था उसमें तो क्लियर हो गया कि उसी रूम में उसके साथ गलत किया गया, पुलिस ने रिपोर्ट भी दिया, तो आखिर उस गेस्ट हाउस को क्यों नहीं तोड़ा जा। वही तो कह रहे, प्रशासन को तो चाहिए था कि बुलडोजर चला देना चाहिए था, जब बुलडोजर चलेगा तभी तो अपराधियों के पुलिस इंतजार कर रहे कि फिर कोई श्रेया जाए दूसरा श्रेया उसमें इंतजार पुलिस कर रही थी, तो पुलिस का इंतजार तो पूरा हो गया ना। पुलिस का इंतजार तो बेचारी एक जो बाप है अपनी बेटी को खो दी, लगातार इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी तो फिर आप जो लोगों का जो विश्वास है कानून पर से जो विश्वास है वो उठ जाएगा, और जब कानून पर से विश्वास उठ जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए क्या होगा। फिर श्रेया के अपराधियों को कितना सजा होगा? आप देख फांसी की सजा से कम कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पुलिस स्ट्रांग एविडेंस बेहतरीन तरीके से एविडेंस प्रस्तुत करने का काम करती है कोर्ट में तब उसको फांसी की सजा से कोई बचा नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। नीतू का जो अपराधी जो भी पकड़ा जाए नहीं दीजिए, बिल्कुल भी जो सिमिलर घटना है तो भी सेम सेक्शन उसमें भी लगेगा, सेम सेक्शन है भाई, जो भी अपराधी होंगे उसको भी फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस कितनी, आप जांच ईमानदारी तरीके से नहीं कीजिएगा तो फिर अपराधी तो वन पॉइंट से ना, हम लोग देख कोर्ट में रहते तो वन पॉइंट अगर डाउट में है, एक पॉइंट अगर लूप होल मिल जाता है तो फिर वहाँ से लोग बरी हो जाते हैं, बिल्कुल। अदालत का एक कोर्स है कि 100 अपराधी दोषी छूट जाएँ लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह के कोर्ट का जो एक फार्मूला इस पर काम करती है, तो सबूत देने का काम पुलिस का काम है और देखते हैं कि पुलिस किस तरह से कोर्ट में सबूत को पेश करती है। सर श्रेया के लिए आपने आवाज़ उठाया, बहुत सारा आवाज़ उठाया, क्या नीतू के लिए आप पुलिस प्रशासन से कहें? बिल्कुल, हम कहेंगे कि देखिए हम उनके साथ भी खड़े हैं, बहुत मुझे दुख हो रहा है और बड़ा गहरी संवेदना है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति कि इस तरह से घटनाएँ हुई है, लेकिन हम उनके साथ खड़ी हैं, हमारी जो पूरी टीम है उनके साथ खड़ी है, उनके अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इस पर आप नंबर हम अपना दे देंगे, आप लगा दीजिएगा, और जो उनको ज़रूरत पड़ेगा तो हम उनके साथ खड़ी हैं, और वो पैसा के लिए फीस के लिए ना डरें, एक रुपया फीस लेकर उनका हम काम करने का काम करेंगे। तो देखिए नीतू हत्याकांड में भी बबलू सर ने कर दिया खुलासा कि अब जो है उनका भी केस हम एक रुपया फीस पर लड़ेंगे। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा ताकि नीतू के परिवार तक पहुँचे और उनके माता पिता जो हैं इस केस को हाई कोर्ट तक लेकर आए और उन अपराधियों को जो भी अपराधी पकड़ा जाएगा उनको फांसी तक पहुँचाया जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद, जय बिहार।